फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त सीए नेहा। बने रहिए हमारे साथ जीएसटी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स एंड क्लैरिफिकेशंस के लिए। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में बताने जा रही हूं, जहां जाके आप टैक्सेस पे जो बुक्स हैं वो रीड कर सकते हैं और रेफर कर सकते हैं। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम है दी बुक लॉन्च। ये प्लेटफॉर्म ऑथर्स को एक यूनिक फीचर देता है कि वो अपने बुक्स को रियल टाइम में अपडेट कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म ने रिसेंटली जीएसटी पे एक ई हैंडबुक लॉन्च की है। इस ई हैंडबुक को लिखा है जयेश गोगरी जी ने। इस हैंडबुक की खासियत ये है कि इसे हर थर्ड डे पे अपडेट किया जाएगा। ये ई हैंडबुक फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है thebooklaunch.in पे। आप वहाँ पे जाके ये बुक रेफर कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं इस बुक पे और क्या बेनिफिट्स हमें अवेलेबल हैं। तो जो इसका फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है वो ये है कि किसी भी टॉपिक से रिलेटेड सारे सर्कुलर्स, सेक्शंस, नोटिफिकेशंस, रूल्स सब एक ही जगह पे हम रेफर कर सकते हैं। हमें सर्कुलर्स के लिए किसी अलग जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है और रूल्स के लिए हमें कुछ और रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। हम सबको कंपाइल करके एक ही जगह पे पढ़ सकते हैं और एक सेक्शन का बेटर इंटरप्रिटेशन हम निकाल सकते हैं। इसका जो सेकेंड बेनिफिट है वो ये है कि आप ऑनलाइन इसी प्लेटफॉर्म पर अपने नोट्स सेव कर सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। आपको अलग से बुक में अलग से कहीं और अपने नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप वहीं पे आपको एक फ़ीचर दिया है नोट्स सेव करने के लिए, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इसका थर्ड बेनिफिट ये है कि जितने भी इसमें चैप्टर्स हैं उनको सबको इंटरलिंक किया है, तो आप एक चैप्टर रीड करते वक्त किसी दूसरे चैप्टर को आप रेफर कर सकते हैं और लॉ का एक बेटर इंटरप्रिटेशन आप निकाल सकते हैं। और इसका फोर्थ एडवांटेज जो है वो ये है कि इसमें एक एडवांस सर्च का ऑप्शन दिया है, जिससे कि आप बेटर और फास्टर वे में सर्च कर सकते हैं और अपना टाइम सेव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इतने सारे एडवांटेज और फीचर्स के साथ ये बुक अवेलेबल है thebooklaunch.in पे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप जाइए और इस बुक का बेनिफिट उठाइए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सबके लिए, आप सबके बेनिफिट के लिए। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, जीएसटी गुरु ये जो चैनल हमने शुरू किया है, ये एक यूनिक बेनिफिट लेके आया है आप सबके लिए। इसमें हमने एक हेल्प डेस्क स्टार्ट किया है, जिसपे आपके जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं जीएसटी से रिलेटेड, वो आप हमें भेज सकते हैं, ताकि उन डाउट्स और क्वेरीज पे जो हमारी बैकएंड जीएसटी रिसर्च टीम है वो वर्क कर सके और आपके रिप्लाईज लेके हम जल्दी से जल्दी वापस आ सकें। आप सबके जो क्वेरीज और डाउट्स रहेंगे, उनमें से कुछ डाउट्स और क्वेरीज लेके हम वीडियो भी बनाएंगे और वो वीडियो आप सबके साथ में शेयर किए जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी से वापस आएंगे जीएसटी से रिलेटेड एक वीडियो लेके। तब तक के लिए गुड बाय। फर्स्ट क्वेरी है वो हमें भेजा है मिस्टर शेखर ने, जो कि है नागपुर से। उन्होंने हमसे पूछा है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल जो कि थ्रेशहोल्ड लिमिट यानी कि 20 लाख या 40 लाख क्रॉस नहीं कर रहा है, तो सुनील ने हमसे पूछा है कि अगर कोई डीलर ऑनलाइन गुड सेल कर रहा है फ्लिपकार्ट या अमेजोन जैसे पोर्टल को यूज करके, और उसका ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो उसके सेल पे जो टैक्सेस बन रहे हैं उससे ज्यादा हो रहा है, जो है वो कोई भी हमें इंटरेस्टेड सप्लाई नहीं करनी है। इंटरेस्टेड सप्लाई का मतलब होता है यानी कि अभी जिस स्टेट में आप बिजनेस कर रहे हैं उस स्टेट से बाहर आपको कोई भी सप्लाई नहीं करनी। प्रोविजंस गवर्न करता है सेक्शन 24 ऑफ जीएसटी एक्ट। सेक्शन 24 जो है वो सेक्शन 22 को ओवरराइड करता है। तो ऐसा एक विंडो हमारे सामने आ जाएगा जहाँ पे हमें फाइनेंशियल ईयर दिया हुआ है। यहाँ से हमें रिटर्न फाइलिंग पीरियडिसिटी चूज कर लेनी है। अभी हमें F02 जो हमें फॉर्म फाइल करना है इंटीमेशन के लिए, जो कि हमें फाइल करना था नोटिफिकेशन नंबर 2/2019, जो कि 7th ऑफ मार्च का नोटिफिकेशन है। बर्स चार्ज में टैक्सेस पे करने के लिए लाइबल हो जाते हैं और इसके लिए हमें कंपल्सरीली जीएसटी में रजिस्टर करना पड़ेगा। सो ये जो अनयूटिलाइज्ड ITC बच गया है, ये इन दोनों में से किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम इस पर रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। मैं इस रूल के एप्लीकेबिलिटी को 2 महीने से पोस्टपोन कर दिया था। और ये रूल नंबर 138E अभी 21st ऑफ अगस्त 2019 से एप्लीकेबल है।